आम दिव्या कथिरियान, जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 5 एंड इज दैट स्टाफिंग। आज हम लोग गाइस देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड इज दैट सिलेक्शन एंड इट्स प्रोसेस। यानी कि जैसे हम लोगों के पास एप्लीकेशंस आती है उसमें से कौन से एम्प्लॉय को रखेंगे, कितने एम्प्लॉयज़ को रखेंगे और वो कौन से प्रोसेस के थ्रू हम लोग ये सब कुछ कंडक्ट करते हैं ना, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिलेक्शन का मीनिंग जानते हैं कि सिलेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। सिलेक्शन मीन्स टू सिलेक्ट द प्रॉपर कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशंस रिसीव्ड। यानी कि हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आई है उसमें से प्रॉपर और जो हमारे पोजीशन के हिसाब से फिट कैंडिडेट है उसको चूज करने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिलेक्शन कहेंगे। क्लियर? इट्स अ पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी कि हम लोग जो एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं, काम देते हैं, सैलराइज्ड करते हैं, तो ये रिक्रूटमेंट का ही सिलेक्शन वन ऑफ द पार्ट है। सिलेक्शन इज बेस्ड अपॉन द साइज टाइप एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि भाई हमारा बिजनेस कितना बड़ा है तो ज़्यादा एम्प्लॉय चलेंगे, हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है, कब कौन से टाइम पे ज़्यादा एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, हमारे बिजनेस की करंट रिक्वायरमेंट क्या है, फ्यूचर क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। यानी कि ये सब कुछ कुल मिला के डिसाइड करते हैं कि हम लोग कितने लोगों का सिलेक्शन करेंगे या तो फिर कितने एम्प्लॉय को अपॉइंट करेंगे। क्लियर? सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द मैनेजरियल स्टाफ इज अ शॉर्ट एंड सिंपल। यानी कि अगर हम लोगों को ऑफिस वर्क के लिए कोई स्टाफ अपॉइंट करना है तो उसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही ईजी और सिंपल है। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर अ मैनेजरियल स्टाफ इज अ वेल प्लान। वो शॉर्ट और ईजी तो है ही लेकिन उसको वेल प्लान करके रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मैनेजरियल स्टाफ यानी कि एडुकेटेड पर्सन को हम लोग अपॉइंट करने वाले हैं तो उसके रिलेटेड जो हमारा प्रोसेस होगा वो एकदम वेल डिफाइंड और वेल प्लान होना चाहिए ताकि कोई गलती की प्रॉबिबिलिटी ना हो। क्लियर? तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इट मीन्स कि सिलेक्शन के क्या क्या स्टेप होंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देन आफ्टर क्या करेंगे। ये गाइस प्रोसेस है, इट मीन्स कि आपको कंपलसरी उसको लाइन टू लाइन रिमेंबर करना पड़ेगा। आपने जहां से भी एक पॉइंट अप एंड डाउन किया या फिर मिस किया वहां से पीछे के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर? फर्स्ट वन है वेलकमिंग एंड प्राइमरी मटीरियल है उसकी जगह पे गाइस मीटिंग आएगा। वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग इट मीन्स कि अगर हमारे यहाँ पे कोई कैंडिडेट आता है, हम लोगों ने ऐसा फॉर एग्जांपल चलो एडवर्टाइजमेंट कुछ भी रख के हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन पास आउट किया है पब्लिक के अंदर, क्लियर, कि हमें इतने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, तो जो एम्प्लॉयज़ ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पे जाना चाहिए वो क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशंस और रिज्यूम लेके हमारे यहाँ पे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी वो आते हैं तो कहाँ पे जाएंगे, रिसेप्शनिस्ट के पास जाएंगे। इट मींस कि वहाँ पे उसका क्या होगा, रिसेप्शनिस्ट उसको थोड़ा बहुत कुछ पूछेगा कि भाई आपको क्या काम है, आप किस लिए आए हो या फिर आप क्या लेके साथ में आए हो, क्लियर, वॉट एवर जो भी नॉर्मल थिंग्स होती है इंट्रोडक्शन वाले वहीं। तो इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वेलकमिंग होगा और प्राइमरी मीटिंग होगा किसके साथ, जो मतलब वेलकमिंग करने के लिए रिसेप्शन पे बैठा होगा उसके साथ, क्लियर। उसमें क्या होता है, एट दिस स्टेज द कैंडिडेट इज अ वेलकम बाय द एंटरप्राइज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पूछेगा कि भाई आइए आपको क्या काम है एंड वॉट एवर, इट मीन्स कि शॉर्ट एंड सिंपल उसका वेलकमिंग होगा। रिसेप्शनिस्ट मेक द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एंड इफ द कैंडिडेट इज फाउंड एलिजिबल ही विल सेंड टू द रिक्रूटमेंट ऑफिसर। रिसेप्शनिस्ट क्या करेगा, उसको थोड़ा बहुत पूछेगा कि नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ही पूछेगा कि भाई आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो, ये डॉक्यूमेंट आप लेके आए हो। अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये एप्लीकेशन लेके जो कैंडिडेट आया है वो ओके है और सब कुछ रेडी है, तो वो फिर क्या करेंगे, जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर है ना उसके पास उसको भेज देंगे। क्लियर? ऑफिसर कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉलेज स्किल एंड कैपेबिलिटी। अब रिसेप्शनिस्ट ने उसको उसके पास भेजा है, ऑफिसर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जानने की कोशिश करेगा कि भाई ये बंदे के पास कितना नॉलेज है, कितनी स्किल्स है, एबिलिटी क्या है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये वेलकमिंग और प्राइमरी मीटिंग का, गाइस प्रिवेंट द इम्प्रॉपर कैंडिडेट्स। इट मीन्स कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि ये आगे जाके सक्सेसफुल हो पाएगा हमारे प्रोसेस में, तो हम लोग ऐसे कैंडिडेट को पहले से ही निकाल देंगे ताकि लास्ट में जाके हम लोगों को बल्क में बाइफर्गेट ना करना पड़े। क्लियर? इट मीन्स कि हमारा जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे अननेसेसरी या तो फिर जो इम्प्रॉपर कैंडिडेट्स है ना उसको हम लोग क्या करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे। क्लियर? इफ कैंडिडेट फाउंड द प्रॉपर इन अ प्राइमरी मीटिंग ही विल बी आस्क्ड टू द फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर हम ऐसा लगता है कि नहीं ये कैंडिडेट ओके है, आगे चल के हमारे बिजनेस के लिए ये काम कर सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बोल देंगे। क्लियर? इट मीन्स कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि अगर कोई बंदा एप्लीकेशन लेके आता है तो उसका वेलकमिंग होगा और प्राइमरी मीटिंग होगा गाइस, कि उसमें नॉर्मल थिंग्स ही पूछे जाएंगे कि ये बंदे मतलब कितने नॉलेजेबल है या फिर प्रॉपर है कि नहीं है। और अगर हमें ऐसा फाउंड होता है कि इट्स प्रॉपर, ही इज़ प्रॉपर, तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई उसको फॉर्म फिल करने के लिए बोल देंगे। क्लियर?
हमारा जो पॉइंट है ना वो है रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। इट मींस कि हमारे यहाँ पे जो कैंडिडेट्स आए हैं एप्लीकेशन लेके, उसका एप्लीकेशन हमें प्रॉपरली रिसीव भी करना है और साथ में देखना भी है कि क्या ये एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वो आगे जाने के लिए लायक है कि नहीं है। क्लियर? रिक्रूटमेंट ऑफिसर गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट, रिक्रूटमेंट ऑफिसर ये जानने की कोशिश करेगा और उसको ये इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाएगा कि सामने वाला जो कैंडिडेट है उसका एडुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज, स्किल, एबिलिटी क्या है, वॉट एवर। क्लियर? कैंडिडेट ज्वाइन द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, गाइज यहाँ पे साइंस की जगह पे ज्वाइंट आएगा, ज्वाइन द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक मार्कशीट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, या तो फिर उसके पास कोई अचीवमेंट के सर्टिफिकेट्स है तो वो भी उसको वहाँ पे ज्वाइंट करने पड़ेंगे एप्लीकेशन के साथ में। क्लियर? इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट ऑफिसर, अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन हमें दिखाई देता है कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या फिर ये मतलब हमें ऐसा प्रॉपर नहीं लग रहा है तो हम लोग उस कैंडिडेट को वहाँ से ही रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर? जो नेक्स्ट वन हमारा स्टेप है वो है टेकिंग द नेसेसरी टेस्ट। अगर गाइज जो फर्स्ट वन था वेलकमिंग प्राइमरी मीटिंग में जो अच्छा लगा उसको हम लोगों ने ऑफिसर के पास भेजा है, क्लियर, फिर वहाँ से वो पास होके अगर निकलता है तो हम लोग उसके नेसेसरी टेस्ट लेंगे। गाइज ये नेसेसरी टेस्ट वाला पॉइंट अलग से आपको 2 मार्क के लिए या तो फिर 1 मार्क के लिए भी ये टेस्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो थर्ड वन स्टेज हमारा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। क्लियर? टेकिंग द नेसेसरी टेस्ट, जो बंदा जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर के एप्लीकेशन वाले स्टेज में से पास होके आया उसका हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टेस्ट लेंगे। तो उसमें भी वेरियस टेस्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वेरियस टेस्ट कंडक्टेड फॉर दोज कैंडिडेट हुज एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड, यानी कि रिक्रूटमेंट ऑफिसर ने जिसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया है वो सारे कैंडिडेट का हम लोग ये अलग अलग टेस्ट लेने वाला है। तो फर्स्ट वन है IQ टेस्ट। IQ टेस्ट में गाइज क्या होगा, ये हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि उसका कॉमन सेंस कैसा है, मेमोरी पावर कैसा है, स्मार्टनेस, डिसीजन पावर, थिंकिंग कैपेसिटी, ये सब कुछ ओवरऑल जो जनरल लोगों में चाहिए वो कैसा है, क्योंकि अगर उसको हम लोग जॉब अलाउ कर रहे हैं तो वो ये सब कुछ वाइडली सोच सकता होना चाहिए, ताकि अगर उसके ऊपर कभी प्रेशर आता है तो वो हैंडल कर सकता होना चाहिए। क्लियर? फर्स्ट वन वो IQ टेस्ट। सेकेंड वन हम लोग उसका टेस्ट लेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट हम लोग क्यों लेते हैं, दिस टेस्ट मीन टू नो वेदर द कैंडिडेट हैज़ द इंटरेस्ट फॉर द स्पेसिफिक वर्क और नॉट फॉर विच ही इज सिलेक्टेड, यानी कि हम लोग जो काम के लिए उसको सिलेक्ट करने वाले हैं क्या वो काम के लिए उसका इंटरेस्ट है या फिर नहीं है, अगर है तो कितना है, कैसा है। क्लियर? वो काम के रिलेटेड इंटरेस्ट जाने के लिए हम लोग जो टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं वो हमारा क्या होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट। फर्स्ट वन हुआ IQ, सेकेंड वन है एप्टीट्यूड। फिर थर्ड वन टेस्ट है ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट हम लोग उसका क्यों लेंगे, तो कि दिस टेस्ट डिसाइड वेदर द कैंडिडेट्स हैज़ द नेसेसरी स्किल टू परफॉर्म द एक्सपेक्टेड जॉब और नॉट, यानी कि ये टेस्ट हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि अगर हमारा जो जॉब होने वाला है, हमारा जो काम फ्यूचर में होने वाला है उसके रिलेटेड ये जो एक्सपेक्टेड हम लोग उससे काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या ये बंदा वो हमारे एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा निकलेगा या फिर नहीं। क्लियर? और फिर लास्ट वन है साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये टेस्ट हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये बंदे का नेचर कैसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, उसके हैबिट्स कैसे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग जॉब करते हैं तो हम लोग इंडिपेंडेंटली जॉब नहीं करते, हम लोगों को कहीं ना कहीं ग्रुप में या तो फिर किसी ना किसी लोग के साथ कनेक्टेड होकर काम करना पड़ता है, तो हमारे साथ में वो सारी स्किल्स और एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए ताकि हम लोग सबके साथ जॉइंटली कॉमन गोल के लिए काम कर पाए। क्लियर? थर्ड वन हमारा स्टेज था कि हम लोगों को अलग अलग टेस्ट लेने। क्लियर? और वो टेस्ट में भी 4 टेस्ट है। क्लियर? ये टेस्ट में से गाइज आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि अगर उसका बंदे का जो इंटरेस्ट है वर्क के रिलेटेड वो जाने के लिए कौन सा टेस्ट लिया जाता है, या तो फिर उसका नेचर जानने के लिए कौन सा टेस्ट लिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपको। क्लियर? और 2 मार्क में पर्टिकुलरली नेसेसरी टेस्ट करके भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट स्टेज जो हमारा है वो है पर्सनल इंटरव्यू। इट मीन्स कि जो सारे बंदे ये टेस्ट में से पास हो जाते हैं उन सबको हम लोग क्या करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होगा, कैंडिडेट वो पास द अबाउट टेस्ट, यानी कि यहाँ पे अबाउट है वहाँ पे अबो आएगा, अबो टेस्ट आर कॉल फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि जिन लोगों ने ये 4 टेस्ट पास कर लिया है उनको हम लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। सिलेक्शन कमिटी इज फॉर्म फॉर सिलेक्शन, यानी कि ये सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एक कमिटी फ्रेम किया जाता है। इन दिस वे द रिक्रूटमेंट कैन बी मेड विदाउट एनी बेसिस, यहाँ पे हम लोग कोई बेसिस के ऊपर रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे कि भाई चलो आपके यहाँ पे ये रिलेटिव्स है तो उसके बेसिस में, मतलब हम लोग अनबायस होके सबका सिलेक्शन करेंगे, यानी कि जो प्रॉपर है उसको रखेंगे, जो इनकम्प्लीट है, इनप्रॉपर है तो उसको हम लोग ट्राई नहीं करेंगे।
सिलेक्शन टीम इंक्लूड, सिलेक्शन टीम में कौन कौन से बंदे इंक्लूड होंगे गाइज, वन मार्क में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिट, यानी कि हमारे जो यूनिट का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो डिपार्टमेंटल के हेड भी हो सकते हैं, मैनेजर, एक्सपर्ट्स, इनमें से कोई जो हाई लेवल की पोस्ट के ऊपर है, जो ज़्यादा नॉलेजेबल है, ये सारे बंदे को हम लोग सिलेक्शन कमेटी में इंक्लूड कर सकते हैं। इन इंटरव्यू वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, यानी कि हम लोग इंटरव्यू में वर्क रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेंगे, क्योंकि हम लोगों को उसके पास से हमें पता है कि हमें इतना काम ही लेना है, तो हम लोग वो काम को फुलफिल करने के लिए उस बंदे के पास कितनी एबिलिटी है ना, उसको ही जानने की कोशिश करेंगे। इन दिस स्टेज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ जॉब कैन बी मेड क्लियर, यानी कि ये पर्सनल इंटरव्यू जो होगा वहाँ पे हम लोग टर्म्स और कंडीशंस भी क्लियर कर लेंगे कि भाई हमारे जॉब्स का ये कंडीशंस है, ये टर्म्स रहेगा, आपको ये टाइम, व्हाटएवर जो भी सैलराइज वगैरह कुछ भी होगा, वो सब कुछ क्लैरिफिकेशन पर्सनल इंटरव्यू में हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट वाला अब हमारा पॉइंट है वो चेकिंग रेफरेंस गाइस, जब भी हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया होगा तो हम लोगों ने एज अ रेफरेंस में किसी ना किसी के नेम लिखे होंगे, जो हमारा रेफरेंस दे सकता है कि ये बंदा नॉलेजेबल है, या फिर वॉट एवर जो हमारी एबिलिटी है वो वहाँ पे दिखा सकता है, क्लियर। तो फिर उसमें क्या होगा, द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि हम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन दिया है शुड बी चेक बाय द रेफरिंग टू हिज प्रेजेंट एंड पास्ट सो कैन गेट अ करेक्ट आइडिया। वो लोग क्या करेंगे कि भाई उसको जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इसने पास्ट में यहाँ पे जॉब किया है तो क्यों जॉब छोड़ा है, या फिर उसका काम कैसा था, उसका नेचर कैसा है, वॉट एवर उसका वर्क का रिजल्ट कैसा है, क्वालिटी कैसा है, क्लियर। तो ये सब कुछ हम लोग जानेंगे ताकि हम लोगों को पता चले कि ये बंदे को अपॉइंट करने जैसा है भी या फिर नहीं है, क्लियर। ओपिनियन ऑफ द रेफरेंसेज गिवन बाय द कैंडिडेट्स हेल्प इन अ टेकिंग राइट डिसीजन, हम लोगों को ये रेफरेंसेस में से जो भी ओपिनियंस मिलेंगे उसके वजह से हमारा डिसीजन क्लियर हो सकता है कि ये बंदे को हम लोग आगे लेके जाए या फिर नहीं, क्लियर। फिर नेक्स्ट वन है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन, इट मीन्स कि हमें जितने बंदे की ज़रूरत होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे यहाँ पे 10 पोस्ट खाली है तो हम लोग सिर्फ 10 बंदे को ही सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग 10 से ज़्यादा सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इट मीन्स कि 15-20 को सिलेक्ट करेंगे, मे बी इट्स पॉसिबल ना कि उसमें से कोई अगर ऐसा बंदा निकल गया तो हम लोगों को वापस से ये प्रोसेस कंडक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम लोग उसमें से 10 की जगह पे 15-20 ऐसे बंदे क्रिएट करेंगे, मतलब कलेक्ट करेंगे, और फिर उसमें से फाइनल हम लोग 10 को सिलेक्ट करेंगे, क्लियर। बाकी के सारे जो है वो कहाँ पे चले जाएंगे, वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे, जैसे हम लोगों ने आगे इंटरनल फैक्टर में देखा था वैसे। तो उसमें क्या होगा, इन्फॉर्मेशन गैदर फ्रॉम द पर्सनल इंटरव्यू एंड रेफरेंसेस आर पॉजिटिव देन द सिलेक्शन टीम विल मेक अ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। हम लोगों ने जो पर्सनल इंटरव्यू लिया और फिर रेफरेंसेस चेक किया, उसमें से जिसका पॉजिटिव आंसर मिला है और हमें अच्छा लगा है, उन सब का हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जो सिलेक्ट कैंडिडेट हुए हैं उसका। दिस लिस्ट यूजुअली इंक्लूड्स मोर नंबर ऑफ अ कैंडिडेट देन रिक्वायर्ड, नोट दैट हम लोगों को जितने की ज़रूरत होगी ना उससे ज़्यादा हम लोग सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर एक आध दो बंदे ज्वाइन नहीं हो सकते तो उसकी जगह पे हम लोगों को ये काम आ सकते हैं, क्लियर। फिर नेक्स्ट वन हमारा है फिजिकल या तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी को ऐसा कोई डिसीज है जिसके वजह से बाकी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम्स हो सकती है तो हम लोग ऐसे एम्प्लॉय को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। After primary selection of a candidate, they are sent to a specified hospital for medical test. हम लोगों का एक कोई हॉस्पिटल जहाँ पे हम लोग नॉर्मली सारे एम्प्लॉयज़ का टेस्ट करवाते हैं वो स्पेसिफाइड ही होता है, वहाँ पे हम लोग ये कैंडिडेट को भेज देंगे और फिर ये चेक करवाएंगे कि ये कैंडिडेट जो है ये बंदा है उसको कोई ऐसा कोई मतलब डिफ़िकल्ट या फिर मेजर डिसीज ना हो। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू नो वेदर द कैंडिडेट इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज और प्रॉब्लम, हमें ये जानना है या फिर उसको कोई मेंटली ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या तो फिर उसको कोई ऐसा डिसीज भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा डिसीज है, मेंटली प्रॉब्लम्स है, मे बी इट्स पॉसिबल कि वो जितना जॉब का प्रेशर आ सकता है उतना हैंडल ना भी कर पाए, या तो फिर अगर कोई ऐसे डिसीज है जिसके वजह से बाकी एम्प्लॉय को तकलीफ हो सकती है तो हम लोग ऐसे एम्प्लॉय को अपॉइंट नहीं कर सकते, क्लियर। फिर नेक्स्ट वन हमारा है अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर में गाइस क्या होगा कि आपको ऐसा एक श्योरिटी दिया जाएगा कि भाई आज से आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये डेट से वॉट एवर, ये जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो सब वहाँ पे क्लियर होगा और फिर हमें ऐसा 110% श्योरिटी कि हमारा जॉब पक्का है, क्लियर। आफ्टर मेकिंग द फाइनल सिलेक्शन, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन में से क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा आफ्टर मेडिकल टेस्ट। फिर क्या होगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर मेकिंग द फाइनल सिलेक्शन अपॉइंटमेंट लेटर इज गिवन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, जो 10 के 10 एग्जैक्ट हम लोगों ने सिलेक्ट किए होंगे उसको।
लेटर कंटेन द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, लेटर में क्या क्या होता है जनरली, नेचर ऑफ वर्क यानी कि आपको कौन सा काम करना है, कैसा काम करना है, वर्क प्लेस आपका प्लेस कहाँ पे है, डेजिग्नेशन आपका पोस्ट क्या रहेगा, आपके पास राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, आपकी सैलरी क्या है और आपको अदर कौन से कंडीशंस कंपलसरी फॉलो करने होंगे, क्लियर। और लास्ट में हमारा जो स्टेज है वो है इंडक्शन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ वर्क, यानी कि अब से आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल गया है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में एंटर किया जाएगा, सबसे मतलब फैमिलियर किया जाएगा कि आपका काम कैसे होगा, ये आपके सुपरवाइजर्स कौन होंगे या फिर आपको किसके अंडर में काम करना है, वॉट एवर जो सब कुछ होगा वो लास्ट स्टेज में होगा, क्लियर। आफ्टर गिविंग द अपॉइंटमेंट लेटर एंड बिफोर और बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ द ड्यूटीज़, द एम्प्लॉयज़ आर अ गिवन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, यानी कि हम लोगों को जब भी जॉब अलॉट किया जाएगा, ड्यूटी दिया जाएगा, उससे पहले हमें थोड़ा बहुत क्लैरिटी दिया जाएगा किसके रिलेट, तो कि आपकी पॉलिसी क्या है, एनवायरनमेंट ऑफ यूनिट कैसा है, सुपरवाइज़र कौन है, कलीग्स कौन है, क्लियर, फिर हमारे सबऑर्डिनेट्स कौन रहेंगे, इन सब के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि हमें आज के बाद से ये जॉब संभालना है और उसको कैसे हैंडल करना है, किसके अंडर काम करना है, वॉट एवर जो भी थिंग्स होंगे वो सब हमें यहाँ पे हैंडल करनी है, क्लियर। अब हम लोग एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इसको कंपलसरी लाइन में जानना ज़रूरी है, क्लियर। हमारे पास टोटल 9 पॉइंट्स अवेलेबल है, अगर आप लोगों ने 9 में से 5th नंबर वाला पॉइंट अप एंड डाउन किया तो वहाँ से आपके मार्क्स कट जाएंगे, मतलब जहाँ से फर्स्ट से लेके अप टू डेट लाइन में होगा वहाँ तक आपको मार्क्स मिलेंगे, बाकी प्रोसेस है, स्टेजेस है तो उसमें हमें मार्क्स नहीं मिलते अगर आप उसका नंबर रॉन्ग करते हो तो, ऑर्डर गलत करते हो तो, क्लियर। फर्स्ट वन तो हमारा कौन सा था, एक तो वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग, इट मीन्स कि आप जब भी आते हो आपका वेलकमिंग किया जाएगा, फिर सेकेंड वन आपका एप्लीकेशन रिसीव किया जाएगा, फिर आपके अगर एप्लीकेशन अच्छे लगे तो आपका नेसेसरी टेस्ट लिया जाएगा, इट मीन्स कि 9 पॉइंट्स आना तो हम लोग उसको 3-3 के बंच में रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं, क्लियर। आप आते हो वेलकमिंग, आपका एप्लीकेशन रिसीव किया और टेस्ट लिया, क्लियर, वेलकमिंग, एप्लीकेशन रिसीविंग एंड नेसेसरी टेस्ट, ये 3 पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो गए। फिर फोर्थ वन आपका कौन सा है, अगर आप टेस्ट में पास होते हो पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपके रेफरेंस चेक किए जाएंगे और आपका प्रीलिमिनरी सिलेक्शन होगा, पर्सनल इंटरव्यू, रेफरेंस और प्रीलिमिनरी सिलेक्शन, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन हो गया फिर आपको भेजा जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए, मेडिकल टेस्ट के बाद आपको मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर और फिर देन आफ्टर आपको इंडक्शन किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्लियर गाइज। ये 9 पॉइंट है ना जिसको हम लोग 3-3 के बंच में रिमेंबर करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो फर्स्ट 3 हमारे कौन से हैं, तो फर्स्ट वन तो है कि हम लोगों को वेलकमिंग किया जाता है, एप्लीकेशन रिसीव किया जाता है और टेस्ट लिया जाता है, क्लियर, ये 3 कंप्लीट। टेस्ट के बाद अगर पास होते हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, हमारे रेफरेंसेस चेक होंगे और फिर देन आफ्टर हम लोगों को क्या किया जाएगा, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन किया जाएगा, क्लियर। हमारे क्या होंगे, रेफरेंसेस चेक, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इंटरव्यू लिया जाएगा, रेफरेंस चेक होंगे और प्रीलिमिनरी सिलेक्शन होगा, क्लियर। फिर देन आफ्टर क्या होगा कि हमारा जो भी है मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, मेडिकल टेस्ट ओके आता है तो फिर हम लोगों को जो फाइनल सिलेक्शन है उसके थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा और फिर देन आफ्टर लास्ट में हम लोगों को क्या किया जाएगा, इंडक्शन इनटू ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐड किया जाएगा, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अगेन रिमाइंड कर लेते हैं क्योंकि प्रोसेस है तो ज़्यादा ज़रूरी ऑर्डर मेंटेन रहे, वेलकमिंग, एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा, टेस्ट लिए जाएंगे, फिर क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, रेफरेंस चेक होंगे, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन होगा, क्लियर, मेडिकल टेस्ट होगा, आपका एग्जामिनेशन होगा, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा और फिर इंडक्शन इनटू ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर गाइस। तो ये हो गए हमारे सिलेक्शन के प्रोसेस।